नादान हैं वो लोग जो मामूली उज़र की वजह से रोज़े की इबादत को छोड़ देते हैं। कोई कहता है जी पेट में दर्द है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी है, रोज़ा नहीं रखते। हालांकि हदीस में आता है अगर एक इंसान सारी ज़िंदगी रोज़ा रखे और रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। रमज़ान के रोज़े पर जो फजीलत और सवाब है, सारी उम्र रोज़ा रखने पर वो फजीलत और सवाब नहीं है। इसलिए इंसान कोशिश करे रोज़ा उससे न छूटे। आज के दौर में जो गर्मी है, हज़रत सहाबा के दौर में उससे कई गुना गर्मी ज़्यादा थी। अरब तो ऐन खत्ते इस्तिवा में वाक़े है, वो लोग दिन को जिहाद करते थे, रातें उनकी क़ियामुल लेल में गुजरती थी। एक और दो दाने खजूर के खाकर सारा दिन जिहाद भी किया फिर भी रोज़े की हालत में रहे। हम तो पंखे के नीचे बैठ के रोज़ा रखना मुश्किल है। कोई एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, ठंडे मार्बल पर बैठे हैं, मस्जिद के कुशादा माहौल में बैठे हैं, कहते हैं जी गर्मी है। जहन्नम की गर्मी इससे कई गुना ज़्यादा होगी। वो तो इतनी गर्मी है, हदीस में आता है कि दुनिया की आग और आखिरत की आग के मुकाबले में, कि अगर जहन्नम की आग से किसी को निकाल कर दुनिया की आग में डाला जाएगा तो गोया उसे सुकून और इत्मीनान और राहत मिल जाएगी। हालांकि दुनिया की आग कितनी सख्त है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जहन्नम के मुकाबले में इस आग की कोई हैसियत नहीं। तो जहन्नम की गर्मी के मुकाबले में दुनिया की गर्मी की भी कोई हैसियत नहीं। तो ये कोई उज़्र नहीं है। इंसान कोशिश करे रमज़ान के रोज़े पूरे के पूरे रखे। और असल ईद उसकी होती है जिसने रोज़े रखे होते हैं। जिसने रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, तिलावत नहीं की, इबादत नहीं की, ईद के दिन जब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, ईद की नमाज मुकम्मल होती है, उस वक़्त इंसान का दिल उसको मलामत करता है, ज़मीर मलामत करता है। तो किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहा है? रोज़े तूने नहीं रखे, इबादत तूने नहीं की, तरावी तूने न पढ़ी, तिलावत तूने न की। मुबारक तो उसके लिए कि जिससे एक तरावी न छूटी, जिसने तरावी में अल्लाह का कलाम पूरा सुना, जिससे तहज्जुद न छूटे, अवाबीन और इशराक न छूटे, जिसकी ज़बान पे अल्लाह का जिक्र हो, सखावत हो, मुबारक तो उसके लिए। इसलिए हम कोशिश करें माह मुबारक के अंदर रोज़ों का ख़ास तौर पर अहतमाम हो, रोज़ा हमसे न छूटे।